अरे क्या कर रही थी उस बस्ती के कूड़े के साथ अकेले में? डोरी में अपनी खोई हुई बच्ची को देखने की कोशिश कर रही थी। कई बार तो मुझे लगता है कि कहीं डोरी तो मेरी बेटी नहीं है। जिस बेटी को आपने गंगा भैया के हवाले किया था, उन्होंने ही गंगा प्रसाद जी को से मुझे वापस लौटाने तो नहीं भेजा है? हाँ? डोरी डोरे बंद करो अपना ये पागलपन, जिसकी वजह से आज तुम ना हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा राज उस दिव्यांग को बताने जा रहे थे। क्या चाहती क्या हो तुम? एक मिनट, एक बार है क्या तुम्हारे दिल में? अरे अपने पति को तुम खुश नहीं रख सकती हो? उस दिव्यांग से मिलने गई थी। अरे जानता हूं मैं तुम नफरत करती हो मुझसे, जानता हूं मैं। पर वहां क्या तुम प्यार ढूंढने गई थी उस दिव्यांग के पास? अजीब औरत है यार, कब से मिल रही हो तुम उससे अकेले अकेले? बस कीजिए, क्या बोल रहे हैं आप? कितना नीचे गिरेंगे आप? आपको सुनाई दे रहा है क्या बोल रहे हैं आप? आपका दिया हुआ दर्द, आपका दिया हुआ राज इतने सालों से अपने दिल में छुपा कर बैठी हूं मैं, और आप मेरे किरदार को शक कर रहे हैं? मैं उस बच्ची के पास ममता ढूंढने जाती हूँ और आप इसको इतना घिनौना नाम दे रहे हैं। कोई एहसान नहीं कर रही हो मुझ पर राज छुपा कर। सुधा भाभी की तरह इस घर में ऐसे ये अनचाहे फर्नीचर की तरह पड़ी रहती। शुक्र मानना चाहिए तुमको मेरा, एहसान मानना चाहिए। एक बेटी पैदा करने के बावजूद मैंने तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारा सच छुपा करके रखा लोगों से। वरना कर लेता मैं दूसरी शादी, ले आता मैं दूसरी औरत जो मुझे लड़का पैदा करके दे। देखो ना, मैंने तुमको चुना, तुम्हारी रक्षा करी। क्या किया तुमने? ची, ची। सही जगह प्यार दोगे ना तो इस घर में, हवेली में सुकून से रह पाओगे, समझे? तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये है कि एक मर्द होकर तुम रो रहे हो, यही है तुम्हारी गलती। अगर चोट लगे मैं रो नहीं तो क्या करूं? बदला, बदला लो। मर्द है तू, रो नहीं, रुला। सुना नहीं हमने क्या कहा? चुप!
रोना नहीं। ये बच्चा है और ये लड़का है और लड़के नहीं रोते, नहीं रोते लड़के। बिल्कुल ऐसे ही तो मजबूत बनता है मर्द, वरना मर्द और औरत में फर्क ही क्या। हाँ अगर आज ये घर में मार नहीं खाएगा तो कल कल बाहर जाकर ये मार खा के आएगा। हमें हमारे खून को मर्द बनना सिखाना ही होगा और इसमें कोई बीच में नहीं आएगा। तो क्या मार खा के सब कुछ समझ जाएगा? हाँ, परसों पहले एक बच्चे को न मारने की गलती हमसे हो गई, उसी का अंजाम आज हमारे सामने खड़ा है। हम दोबारा ये गलती कभी नहीं करेंगे। बाबा, मारने से बच्चे बड़ों की बात मानने लग जाते हैं क्या? नहीं मुनिया, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता ना तो हर माँ और बाबा के हाथ में खिलौनों के जगह पर छड़ियां होती, ऐसा नहीं होता। दादी, आप मुझे मर्द बनाना सिखा सकती है, पर वो लड़की जो कूड़े का ढेर है उसे उसे लड़की बनाना नहीं सिखा सकती। झूठ बोलती है, लोगों को तैराकी से फंसाती है, इसे मैनर नहीं है, बात करना तक नहीं आता इसे। इसे भी तो ट्रेनिंग दे सकती है ना लड़की बनने की। आज पहली बार हमने हमारे लल्ले पे हाथ उठाया है, वो भी इस लड़की की वजह से। सही कहता है वंश, इसे भी इसके किए की सजा मिलनी चाहिए। इस टेढ़ी लड़की को टेढ़े तरीके से ही समझाना होगा। नहीं सिखा पाएंगे। अगर हमारे पास अधिकार होता तो हम जरूर सिखाते, लेकिन उसका बाबा जो है ना वो नहीं मानेगा, क्योंकि इसको अपनी बच्ची में कोई खामियां नजर ही नहीं आती। तभी तो ये लड़की ठेठ गवार बन गई है और ये ऐसे ही रहेगी। पर हम ऐसी बातों को नजरअंदाज नहीं करेंगे। हम तुम्हें ऐसी परवरिश देंगे, तुम अच्छे स्कूल जा रहे हो, आगे चलकर अच्छे कॉलेज में जाओगे, पढ़ाई करोगे और जिंदगी में खुद के लिए अपना मुकाम बनाओगे। मगर गलती उसकी भी तो है ना दादी। गलती तुम्हारी है क्योंकि तुम रोए। आदमी पसीना बहाता है तो अच्छा लगता है। आसू नहीं, और वैसे भी इस लड़की को उसके किए की सजा तो मिली गई। ऐसी बेलगाम लड़कियों की शादी नहीं होती। जिंदगी भर वो अपने परिवार पर बोझ बनकर रहती है। स्कूल में, कॉलेज में इसे दाखिला नहीं मिलेगा। कोई भी ऐसी लड़कियों को पसंद नहीं करेगा। अगर इस लड़की की लगाम हमारे हाथ में होती तो सच में हम इस लड़की को ऐसे तैयार करते कि ये लायक लड़की बन जाती।
हमारे कहने से क्या होगा? कोई हमारे पास लड़की को ट्रेनिंग के लिए क्यों भेजेगा? गंगा, इनास बेटे का कौनो भविष्य नहीं है, नहीं पढ़ लिख पाएगी और ना ही कोई इनको ब्याह के लेके जाएगा। अरे काहे नहीं ले जाएगा, क्या कमी मेरी डोरी में? बोल। कौनो कमी नहीं है, अरे ना उठे बैठे का ढंग, ना बोल चाल का सहूर, ऊपर से हम तू निरामूर्ख गंवार गांव के लोग, कैसे कैसे तू अपनी बेटी को अच्छी सोहबत देगा, अच्छे घर की सोहबत देगा, कैसे बोल, कैसे उसके सपने पूरा करेगा? देख गंगा, ठकुराइन सही कह रही है, यही मौका है बेटवा, इको सौंप दे ठकुराइन के ट्रेनिंग में। ना। हाँ बोल दे बेटवा, हाँ बोल दे। ना। औलाद के लिए मोह होना एक बात, लेकिन उस मोह में आकर उस औलाद के भविष्य को बर्बाद कर दे वो दूसरी बात है। हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि हम औलाद के मुंह में आकर उसके भविष्य पर सवाल खड़ा कर दे। ठाकुरायन जी, आप सही कह रही हैं, इस डोरी को आपके ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है। नानी, हाँ हम जब तक यहाँ हैं, ये आपके भरोसे है ठकुराइन जी, आप इसको अच्छी शिक्षा दीजिए, एक अच्छी लड़की बनाइए। ऐसा ना है कि हमार बचवा इसको अच्छा संस्कार नहीं दे रहा है, अच्छे से पाल नहीं रहा है, वो कहे नहीं बाप बन के अपनी बेटी को पाला पोसा है ना, औरों तो वाला गुण सिखा नहीं पाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हम जैसा गरीब बुनकर की बेटी के बारे में इतना सोचे, हम बहुत आभारी हूँ। आप बस इसको एक अच्छी लड़की, एक सब गुण संपन्न लड़की बना दीजिए। सही निर्णय लिया आपने, कल से तेरी ट्रेनिंग शुरू, अब हम तुम्हें बना देंगे एक लायक और आदर्श लड़की। अब देख मैं तेरी नाक में नखेल कैसे डालती हूं डोरी। अब आएगा मजा जब दादी इसकी क्लास लगाएगी। बाबा मुझे नहीं जाना। ऐसी नखचड़ी लड़कियों की शादी कभी नहीं होती, जिंदगी भर वो अपने परिवार पर बोझ बनकर रहती है। स्कूल में कॉलेज में ऐसी लड़कियों को दाखला भी नहीं मिलता। अगर इस लड़की की लगाम हमारे हाथ में होती तो सच में हम इस लड़की को ऐसे तैयार करते कि ये लायक लड़की बन जाती। कल से तेरी ट्रेनिंग शुरू, अब हम तुम्हें बना देंगे एक लायक और आदर्श लड़की। नानी जल्दी चाय दे, मुझे काम पे जाना है। दो मिनट रुका, हमेशा हम हाथ ना धोएंगे, दो मिनट बैठो, दे रहे हैं। अरे वाह नानी, क्या बात है, गोवर्धन पूजा की तैयारी बड़ी जोरों शोरों से चल रही है। हाँ, ताकि तुके किशन भगवान ठीक ठाक सोचे समझे की शक्ति दे, और साथ में बहुत सारा काम भी। इसीलिए तो बस्ती जा रहा हूँ कि चार पैसे अगर जोड़ पाऊंगा तो रिक को अच्छे बड़े अंग्रेजी स्कूल में दाखिला दिला सकूं। अरे पैसा जोड़े के बारे में सोचना है ना, तो ब्याह शादी के बारे में सोच। ये शादी ब्याह कहाँ से बीच में आ गया?
तभी तो डोरी बहुत पढ़ेगी, बहुत नाम कमाएगी, बहुत बड़ी बनेगी, उसके बाद सोचेंगे शादी वादी के बारे में। ओके खातिर गुण चाहे कि ना है? अरे कोई कोयला उठा के अपने आँख में रगड़ने लगे या सोचे कि काजर है तो का आँख फूटेगा कि नहीं? हीरा भी कोयले से निकलता है नानी, डोरी हीरा है, हीरा। हाँ हीरा, बाप के घरे जले ना लालटेन, बेटी हमार पावर हाउस। हाँ पावर हाउस है मेरी बेटी। देख बेटवा एक बात कहते हैं, वो ठकुराइन जो कह रही थी ना कि हमरे सोहबत में तुम्हारी बंदरिया बेटी को डाल दो, तो हम तो कह रहे हो के स्कूल में डाल दे ताकि तुम्हारी बेटी जरा सुघड़ हो जाए, जरा संस्कारी हो जाए। हाँ अरे तो उस बंदरिया डोरी को ट्रेनिंग के लिए ऐसा अंटा चलाएंगे हम उस पे, फिर चलाकी नहीं करेगी कभी हमसे। जब रोना आएगा ना तब समझ में आएगा उसको हमें ताकत। वंश बेटा, ताकत किसी को मारने में या नीचा दिखाने में नहीं है, ताकत माफ करने में है, अपनी गलती मानने में है। मंजली बहू, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है एक औरत मर्द को ये नहीं समझा सकती कि क्या गलत है और क्या सही। दादी ने हमें समझाया है कि मर्द कभी गलती नहीं करता, वो माफी नहीं सजा देता है। ये सोच गलत है वंश। नहीं। तुम्हारी सोच बिल्कुल सही है वंश। एक मर्द अगर औरत को उसकी सही जगह ना दिखाए तो वो सर पे चढ़कर नाचने लगती है। ये क्या सिखा रहे हैं आप इसे? बिल्कुल सही सिखा रहा हूं। एक औरत की जगह हमेशा मर्द के पैरों में होती है, तो हमेशा वहीं रखना, सर पे मत चढ़ाना। कभी नहीं पापा। सही नहीं कर रहे हैं आप। क्यों आप वंश के अंदर ये गलत सोच भर रहे हैं? हे डोरी, ये क्या है? आप दोनों चाहते हो ना कि मैं अच्छी लड़की जैसी बन जाऊं? ये देखो मैं बन गई अच्छी लड़की। आज से नानी के साथ घर का सारा काम भी करवाऊंगी, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब करूंगी। बस आप मुझे ठकुराइन जी के पास मत भेजो, वो बहुत गुस्से वाली है, मुझे उनसे बहुत डर लगता है। बाबा बोलो ना बाबा, आप मुझे अच्छी लड़की बनने की ट्रेनिंग के लिए नहीं भेजोगे ना? मुझे सही और गलत का पाठ मत पढ़ाया करो। तुमने वंश को जन्म नहीं दिया, नहीं कभी प्यार किया, दुलार किया, तो ये झूठी मां बनने का नाटक मेरे सामने तो मत करो। माँ ने जो परवरिश की है वंश की, उसी से वो मेरे जैसा असली मर्द बनेगा। अपना ज्ञान बांटना बंद करो। आप मुझे ठकुराइन जी के पास नहीं भेजोगे ना बाबा? डोरी बेटा, मैं चाहता हूं कि तू सब कुछ सीखे, पर इसलिए नहीं कि तू लड़की है, इसलिए कि तू आत्मनिर्भर बने। मैं भी तो बहुत कुछ जानता हूं ना, तभी तो सब कर पाता हूं। तो आप भी मुझे सिखा दो ना सब। मुझे ठकुराइन जी के पास जाने की क्या जरूरत है? डोरी ठकुराइन मुझसे बहुत ज्यादा अनुभवी है, उन्होंने खुद अकेले अपना घर भी और साड़ी का व्यापार दोनों संभाला है, तो उनके पास जरूर कुछ ना कुछ सीख पाएगी। हाँ ठकुराइन जी थोड़ी सख्त हैं, पर तू अगर सही होगी ना तो तुझे खामखा थोड़े डांटेगी वो।
जानती है ना कि मैं तुझे एक बहुत ही अच्छे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाना चाहता हूँ ताकि तू बहुत बड़ी बने। मेरे खातिर उनके पास जाएगी ना? हे माता रानी, तू रखो डोरी को इस घर से, इन सब से, वरना कहीं डोरी को भी इन ठाकुरों के हाथों वो सब ना सहना पड़े जो इस घर की औरतें कितनी पीढ़ियों से सहती आ रही हैं। मेरे खातिर ठीक है बाबा, आप कहते हो तो मैं जरूर जाऊंगी।